मैं कर्म में ध्यान देव परमात्मा को नमन करते हुए नमन करता हूँ। मैं गुरुजनों को जिन्होंने अपनी ज्ञान गंगा से सामने बैठे हुए बालकों के अज्ञान को उनको नष्ट किया और सुमंजनों की ओर, और मैं नमन करता हूँ आप सबके अंदर बैठे हुए उस लीडर को जो इस समाज में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर नित नई विद्या के साथ नए प्रयोग करके इस देश को आप आगे बढ़ा। सल्यूट है आपको। आज एक लंबे समय के उपरांत आप सबको देखा और पुराने भाव जागे हैं और आज ये पता नहीं क्यों उनकी वाणी भाव भी बदल गया। हजारों लोगों के बीच में बोलने वाला इंसान आज भावनाओं के कारण उसका गला उखड़ गया। क्या बोलूं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं दो चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। नंबर एक, मैं जानता हूं आप लोगों को सफलता जीवन में बहुत बात किया तो बेशक आगे भी आप सफलताओं की ओर जाएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे विचार आप लोगों के सामने रखूंगा कि आने वाले वक्त में जो आपको जीवन में बहुत उपयोगी। नंबर एक, सफल होना और ग्रेट होना दोनों चीजें अलग। हो सकता है कुछ लोग जीवन में सफल हो गए हों कैरियर वाइज, लेकिन वो महान हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है ग्रेट यानी महान हो गए हों, हो सकता है वो जीवन में सफल ना हो, लेकिन अपने आप को कभी भी हीन भावना से किसी मत कर, क्योंकि जो महान होते हैं जरूरी नहीं वो सफल, क्योंकि और जो सफल होते हैं जरूरी नहीं वो महान हो। धीरू भाई हमारी सफल तो हुआ हम नहीं, आजाद भगत सिंह ये लोग महान है, हरे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, भगत सिंह सफल नहीं हुए लेकिन महान है, आज हम उनकी पूजा करेंगे। कहीं भी अपने जीवन में हमें पता है कुछ लोग अपने कैरियर में ऊंचाइयों पर हैं, कुछ लोगों ने वो ऊंचाइयां नहीं प्राप्त कर पाई है, लेकिन कभी भी अपने अंदर हीन भावना मत रखना, क्योंकि लाइफ अलग है कैरियर अलग है। तो आज मैं कैरियर की बात नहीं करूंगा आप लोगों से, लाइफ की बात करूंगा। जहां तक हम देखते हैं लाइफ वहां से कहीं बहुत आगे, कहीं बहुत आगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ऑल द पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ एनीवन। इफ यू गो इनसाइड योरसेल्फ, अगर आप अपने अंदर जाने की क्षमता को पैदा कर सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, तब आपको किसी की गाइड और दिशा निर्देशन की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप आउटसाइड माने एक होता है इक्वायर्ड टैलेंट और एक होता है इनवॉल्व टैलेंट, अगर आप इक्वायर्ड टैलेंट पे काम करते हैं तो आपको बाहर से ही जरूरत पड़ेगी आपको मोटिवेशन की सजेशन, और अगर आप इनवॉल्व टैलेंट पे काम करते हैं तो आपको आउटसाइड से किसी चीज की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन की जरूरत है ना गाइडेंस की। लेकिन दोनों चीजों को आप लोगों ने इसको अनुभव किया होगा, क्योंकि देश और विदेश कई छात्र ऐसे हैं जो दूर दूर दुनिया में घूमे हैं, हो सकता है जहां हम जैसे लोग ना पहुंचे हों वहां भी आप लोग गए होंगे। तो इस जीवन को समझने के लिए मैं कुछ चीजें आपको देता हूं। समाज में आपको चार तरह के लोग मिलेंगे, परिवार में भी चार तरह के लोग होंगे, आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी चार तरह के होंगे, आप जिन लोगों के बीच में हैं वो भी चार तरह के, उन चार में आप कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं और हम लोगों को कहां जाना है। देखिए सारे लोग गंगोत्री थे, गंगोत्री समझते हैं लेकिन आवाज इसके बिना आपको कुछ सुनाई दे रही तो उससे बोलने की ज्यादा आप नहीं चलते तो आवाज नहीं। पहले हम जब बच्चे थे तो गंगोत्री थे, गंगोत्री हिमालय से निकलती है, आप लोगों से कैसी होती है बिल्कुल एकदम पवित्र होती है, पवित्र कुछ इसमें गंदगी नहीं, राइट है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है
उसमें धूल कंकड़ पत्थर मिट्टी ढक्कड़ धुक्कड़ पता नहीं क्या क्या अपने साथ लपेटते हुए कुछ नौ सौ लेके वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे भारतवार आती हो, आगे गंगा बन जाती, कहां कानपुर में आती। गंगा क्या हो गई, गंगा क्या हो गई, जब बच्चा इस दुनिया में आता है एकदम निर्मल होता है, भगवान का रूप बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना उसकी मुस्कान देखो, मतलब इतने सारे टेंशन निर्भर हम लोग खेलते हैं, ऑफिस में बॉस ने फटकारा, रस्ते में गाड़ी टूटी, ठीक है, सिपाही ने क्या काट दिया, चालान काट दिया और उसने 1500 रुपए ले ली वॉरेंट ठीक करने के, और टेंशन लेके जब घर आते हैं, लेकिन जब जब दरवाजा खुलता है तो वो नन्ही सी जान जब सामने आती है उसकी एक मुस्कान पे हमारी पूरी टेंशन खत्म हो जाती ना, लेकिन 12 साल बाद वही टेंशन देता है क्यों, क्योंकि वो गंगोत्री थी तब तो ठीक थी, उसकी मुस्कान से हमारे सारे टेंशन दूर होते, सही भी है। जब हम गंगा का जल पीते हैं ना तो क्या बनता है, गंगोत्री का जल पीते हैं तो हमें ठंडक मिलती है, वहां बड़ी ठंडी कानपुर में। तो वो गंगोत्री को उस बच्चे को हमने क्या बना दिया, गंगा बना, हमने मतलब हमारे समाज ने, हमारे सिस्टम ने, माँ बाप ने से पढ़े रहते हैं। अभी ट्वेल्थ के एग्जाम थे, एक सज्जन आया अपने बच्चे को लेकर, सर ये पढ़ते ही नहीं, क्यों पढ़ते ही नहीं, परेशानी क्या है, फेल हो जाए, फर्स्ट रैंक नहीं आई।